हाय गर्ल्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ वानी एंड आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इस कॉटन लिनन साड़ी का साड़ी ड्रेपिंग ट्यूटोरियल। ओके, ये साड़ी जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है देखने में और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी है, लाइक समर्स के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छी है ये साड़ी। तो अगर आप कुछ इस टाइप की साड़ी ढूंढ रहे हो तो आप देख सकते हो, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ये ऑफिस वियर में भी काफ़ी अच्छे से चली जाएगी। और इसका कलर आप देख पा रहे हो पिंक कलर का है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो डेफिनेटली आप इसको अपने ऑफिस वियर में भी ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको नॉर्मल, आप डेली वेयर में अपने घर में रहते हैं तो कैसे आपको साड़ी ड्रेप करनी चाहिए, और अभी लाइक समर भी चल रहे हैं तो हमें हर चीज़ हम सोचते हैं कि कंफर्टेबल हो और हमें साड़ी पहननी पड़ती है तो अनकंफर्टेबल फील होता है, तो मज़ा नहीं आती है। तो साड़ी पहनने में अच्छा लगना चाहिए और कंफर्टेबल भी हो, गर्मी भी ना लगे, तो उस हिसाब से आपको अपनी साड़ी भी चूज़ करनी चाहिए, उसी तरीके से आपको ड्रेप भी करना चाहिए। तो वही मैं आज के वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये साड़ी जो है काफ़ी अच्छी लग रही है और इसमें है ना छोटे छोटे से सीक्वेंस भी लगाए गए हैं काफ़ी दूर दूर में, तो आप इसको है ना बाहर भी कहीं घूमने भी जा रहे हो तो भी इसको पहन सकते हो, बुरी नहीं लगेगी, अच्छी ही लगेगी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, अब यहाँ पर हम ड्रेप के बारे में बात कर लेते हैं। तो बेसिक राउंड जैसे हम टक करते हैं वैसे ही ने यहाँ पर टक किया है, एंड पल्लू अपने हिसाब से आपको ले लेना है। आपको अपनी पल्लू की लेंथ घुटने के नीचे तक लेनी है जैसा कि आप देख पा रहे हो, और यहाँ पर मैं जितना भी फैब्रिक बचा है उसको हम प्लेट्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से हम मेज़र करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर कमर की प्लेट्स को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ी चौड़ी चौड़ी प्लेट्स बनाना है क्योंकि कॉटन की साड़ी है, छोटी छोटी प्लेट्स बनाओगे तो आप खुद भी परेशान हो जाओगे और आपकी साड़ी फ्रंट से बहुत ज़्यादा बल्की नज़र आएगी, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। वैसे तो इस साड़ी का फैब्रिक बहुत ज़्यादा अच्छा है, आपकी बॉडी को अच्छे से हग कर लेता है, तो कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं दिखती है इस साड़ी में। कॉटन की साड़ियाँ अधिकतर आपने देखी होंगी बहुत ज़्यादा फुली फुली रहती है, ये साड़ी बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल है और आपकी बॉडी से अच्छे से चिपक जाती है। और वैसे इस साड़ी को मैंने वॉश कर लिया है इसलिए इस साड़ी को ड्रेप करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आ रही। आप देख पा रहे हो अपनी आप खुद देख पा रहे होंगे, ये साड़ी बहुत अच्छे से बॉडी को हग कर लेती है और काफ़ी अच्छा ड्रेप निकल कर आता है। तो यहाँ पर हमने अपने कमर वाली जो प्लेटिंग थी वो कंप्लीट कर ली है जैसा कि आप देख पा रहे हो। अब यहाँ पर अपने पल्लू को हम बनाएंगे, तो अब पल्लू को लाइक आप देख पा रहे हो इस तरीके से आपको अपने पल्लू को, अगर आप चाहो तो टाइट फिटिंग इस तरीके से साड़ी को पहन सकते हो, और आजकल इस तरीके से साड़ी पहनने का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ है। तो आप क्या करें, सबसे पहले यहाँ पर आप छोटी सी एक सेफ्टी पिन लगा लीजिए, ठीक है, फिर उसके बाद कमर में सेफ्टी पिन लगाने के बाद यहाँ पर आपको अपने प्लीट्स को गैदर करना है इस तरीके से। आप देख पा रहे हैं बहुत ज़्यादा चौड़ी भी नहीं, बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं, नॉर्मल साइज़ की आपको प्लेट्स क्रिएट करनी है इस तरीके से। और इस साड़ी का भी लिंक काफ़ी लोग मुझसे मांग रहे थे, तो इस साड़ी का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और आप चेक ज़रूर करना, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, आपको लगेगा ही नहीं कि आपने कुछ भारी भरकम अपनी बॉडी में डाल रखा है। तो इस तरीके से आप अगर साड़ी पहनते हैं अपना पल्लू बनाते हैं ना, तो आपका पल्लू बार बार ऊपर की तरफ नहीं चढ़ता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक भी देता है और एक मॉडर्न लुक भी लगता है। तो इस तरीके से ज़रूर ट्राई करना आप अपनी साड़ी को। तो कुछ इस तरीके से आपको अच्छे से सेट कर लेना है अपना पल्लू, फिर उसके बाद आपको अपनी सेफ्टी पिन को आप अपनी सेफ्टी पिन को सिक्योर कर सकते हैं पल्लू को पीछे के साइड से, बैक साइड में ही लगाना ताकि आपका पल्लू बार बार आगे की साइड नहीं आए, इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आप अपने सर पे पल्लू भी रख सकते हो ईज़िली और अच्छे से पूरे दिन आपकी साड़ी इस तरीके से चल जाएगी। तो आई होप आज के वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।